हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अलका वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा थर्ड सेम का प्रैक्टिकल, जो कि है टू प्रिपेयर एंड सबमिट बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, जिसमें हम बेंजोइक एसिड का सिंथेसिस करेंगे बेंजल्डिहाइड की हेल्प से। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड जो कि होता है CHO ग्रुप, और उसमें हमें सिंथेसिस करना है बेंजोइक एसिड का। इसका मतलब एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा और वो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो हम सिंथेसिस करेंगे KMnO4 की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो आज का हमारा एम क्या होगा, टू प्रिपेयर एंड सबमिट बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। ठीक है, हमको बेंजोइक एसिड बनाना है COOH किसकी हेल्प से, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप से। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, ग्लासवेयर से हमको चाहिए होंगे कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, सैंड बाथ, बीकर, पीपेट, एंड देन केमिकल्स हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, बेंजल्डिहाइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिस्टिल वाटर, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, एंड देन लास्ट वन इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर क्या बोल रहा है, फर्स्ट टेक वन एम एल मीन 2.08 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड इन 250 ml ऑफ ड्राई कोनिकल फ्लास्क, एंड देन सेकेंड वन इज एड 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन इट। हम उसमें क्या करेंगे, 100 ml डिस्टिल वाटर में डालेंगे 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देन थर्ड वन, बॉइल द रिएक्शन मिक्सचर एंड एड स्लोली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट टिल पिंक कलर इज परसिस्ट। ठीक है, जब तक पिंक कलर रहे हम उसमें क्या डालेंगे, KMnO4। ठीक है, फोर्थ, हीट द रिएक्शन मिक्सचर फर्दर ऑन द सैंड बाथ फॉर 30 मिनट्स बाई यूजिंग लो फ्लेम। हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे 30 मिनट्स के लिए बहुत ही लो फ्लेम में। हम सैंड बाथ इसलिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमको लो टेम्परेचर बहुत लो फ्लेम में अपने कंपाउंड को हीट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं सैंड बाथ। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, अलाउ इट टू कूल एंड फिल्टर टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटी। हम इसको कूल करेंगे और जैसे नॉर्मल हम फिल्टर करते हैं वैसे ही हम फिल्टर करेंगे। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, एसिडिफाइंग द फिल्ट्रेट विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज चेक बाई यूजिंग लिटमस पेपर। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसमें HCl ऐड करते जाएंगे और लिटमस पेपर की हेल्प से हम ये देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिफाइंग हुआ है या नहीं। ठीक है, फोर्थ उसके बाद नंबर सेवन है, सॉरी सेवन्थ नंबर का क्या बोल रहा है हमको, फिल्टर द क्रूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर एंड वॉश विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, हम सब जानते हैं जब हम फिल्ट्रेट हमको मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कोल्ड वाटर से वॉश करना अगर हो तो हम उसके ऊपर से एक बार कोल्ड वाटर डाल देते हैं। देन लास्ट वन इज रिक्रिस्टलाइज द प्रोडक्ट बाय यूजिंग हॉट वाटर। हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे अपने प्रोडक्ट को प्योर करने के लिए। तो प्योर करने के लिए हम हॉट वाटर की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को फिल्टर करने के बाद रिक्रिस्टलाइन कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एसिडिफाइंग द फिल्ट्रेट विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरेंगे। तो ये आप लोग इसका प्रोसीजर देख रहे हैं कि हम लोग करने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, बेंजल्डिहाइड को हमको 2 ml ले लेना है कोनिकल फ्लास्क में। तो हम 2 ml ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हमने ले लिया 2 ml ऑफ बेंजल्डिहाइड का सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेंगे और 50 ml डिस्टिल वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये आपका हो गया 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, और इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है 3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्यूशन, या आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो ये मैंने मेजर किया है 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, मिक्स करेंगे इसे
क्या करना है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब, तो हमें इसको बेंजल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड में इसे ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये मिक्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या बोलता है कि हमको हीट करना है इस मिक्सचर को। तो इस रिएक्शन मिक्सचर को आप हीट करेंगे कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं। ये मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था हीटिंग मेंटल, ठीक है। इसमें हमको इसको डायरेक्ट हीट करना है, हमने इसको हीट करने लगा दिया। जब ये बॉईल होने लगेगा, और अच्छे से देखिए अभी ऑयली दिख रहे हैं, अभी अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो एक मिक्सचर बनने तक हम लोग इसको प्रॉपर हीट करते हैं। इसको प्रॉपर हीट करते करते हम स्टीरिंग भी करते रहेंगे ताकि ये कंपाउंड अच्छे से मिक्स हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को हीट करने के बाद बॉइल द रिएक्शन मिक्सचर एंड ऐड स्लोली सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन टिल द पिंक कलर प्रसिस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्लोली KMnO4 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। एंड स्टीरिंग करेंगे, पर ये हमको कब करना है, जब तक उसमें पिंक कलर ना आए। इसमें आप थोड़ा सा KMnO4 और डाल दो। ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड देन स्टीरिंग। अब इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, ठीक है। आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार स्टीर कर लेंगे फिर से। आधे घंटे हो गए हैं, देखो ऊपर क्रिस्टलाइजेशन जैसा हुआ है कंपाउंड, ठीक है। इसको हमें हीट सैंड बाथ में करना लिखा हुआ है, पर हम लो फ्लेम के में हम अपना हीटिंग मेंटल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका फ्लेम एकदम लो रखा हुआ है, ठीक है, और लो फ्लेम में हीटिंग मेंटल यूज़ करके आप भी हीट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसको थोड़ी देर कूल होने के लिए रख देना है। हीटिंग मेंटल यूज़ करने के लिए हमें यहाँ सैंड बाथ यूज़ करना है, ठीक है। अगर सैंड बाथ नहीं है तो हम उसकी जगह फिर अपना कम फ्लेम पे हीटिंग मेंटल भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसे हम निकालेंगे और थोड़ी देर कूल करेंगे। कूल करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिल्टर करने के पहले एक और स्टेप बोल रहा है, एसिडिफाइंग द फिल्ट्रेट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एडेड ड्रॉप वाइज चेक बाय यूजिंग अ लिटमस पेपर। क्या करेंगे, हम इसमें HCl ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज और लिटमस पेपर की उसकी एसिडिटी चेक करेंगे लिटमस पेपर की हेल्प से, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम फिल्टर को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं और फिर उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो चलिए इसको फिल्टर कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब अपने प्रोडक्ट को फिल्टर करना है। स्पैचुला की हेल्प से अब इसको हम ड्राई करेंगे और फिर ड्राई करने के बाद कलर कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है फिल्टर पेपर में, यही हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ आया। और इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं उसको प्यूरीफाई करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।